नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार में अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 मई 2021 तक के लिए लॉकडाउन को लागू कर दिया है। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि सर, थोड़ा डिटेल में बताइए कि बिहार में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, क्या बिहार में ट्रेन चलेंगी या नहीं, और बिहार में किन सभी चीजों को खोला गया है और किन सभी चीजों को बंद किया गया है। इस प्रकार की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, बिहार में अब 16 मई 2021 से सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। किराना दुकान, सब्जी की दुकानें, मछली मीट की दुकान 16 मई 2021 से सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुलेंगी। शादी में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी, जबकि पिछले लॉकडाउन में 50 लोगों को जाने की अनुमति थी। और दोस्तों, इस बार जो बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, तो इसमें स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसमें शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी अभी नहीं खुलेंगे। पार्क, जिम भी बंद रहेंगे। आपको बता दें, सभी ऑटो, टैक्सी, ट्रेन, बस सेवा चलती रहेंगी। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन एवं खेलकूद समेत तमाम भीड़ भरे इलाके बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दुकानदारों को पाबंदियों के साथ खुलने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, सरकारी एवं निजी ऑफिस में सिर्फ 50 लोगों को जाने की अनुमति होगी। इसमें बैंक, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। और दोस्तों, ट्रेनों को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जा रहा है, सभी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी बिहार में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।